साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कैटलॉगिंग हमने प्रारंभ कर ली थी और कैटलॉगिंग को लेकर 8 क्लासें अपने पूर्व में हो चुकी है। 8 क्लासों में हमने कैटलॉगिंग का कंप्लीट बेसिक पढ़ा और बेसिक पढ़ने के बाद हमने कैटलॉगिंग के जो कोड हैं, दो आपके सिलेबस में दो दे रखे हैं, CCC और AACR2, दोनों को तो हमें विस्तार से पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही जो छोटी मोटी इनके आसपास हैं और भी कैटलॉग के कोड, उनको भी हम छोटा मोटा देखते हुए चल ही रहे हैं और अभी और भी देख लेंगे। लेकिन इनमें भी हमने सबसे पहले CCC को प्रारंभ किया था, जो रंगनाथन साहब के द्वारा 1934 में दी जाती है। बाद में उसके 5 एडिशन आते हैं, 564 में आता है, वो बातें हम कर चुके हैं। CCC को हमने प्रारंभ किया था और प्रारंभ करने के बाद हमने बात करी थी कि इसमें दो प्रकार की एंट्री होती है, एक मेन एंट्री होती है और मेन एंट्री के अलावा एडेड एंट्रियां होती हैं, अर्थात इतर प्रविष्टियां होती हैं। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम मेन एंट्री के विषय में पढ़ेंगे और मेन एंट्री के विषय में हमने पढ़ना प्रारंभ किया। फिर मेन एंट्री जो CCC की थी, उसके 6 सेक्शन मैंने आपको बताए और 6 सेक्शन की बात हमने बहुत विस्तार से करी है। एक एक सेक्शन को हमने लिया है और आपको डायग्राम बना करके मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एक एक सेक्शन के नियम कानून कायदे मैंने आपको समझाए हैं, पहला सेक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा, पांचवा, छठवां सेक्शन कहाँ बनता है, कार्ड के सामने कितने सेक्शन बनते हैं, कार्ड के पीछे कौन सा सेक्शन बनता है, ट्रेसिंग सेक्शन जो कार्ड के पीछे बनता है उसके कितने भाग होते हैं, उसमें किस प्रकार की जानकारियां दी जाती है, जो हेडिंग सेक्शन होता है वो आपका कहाँ से प्रारंभ होता है, फर्स्ट इंडेंशन क्या होता है, सेकेंड इंडेंशन क्या होता है, आपकी हेडिंग सेक्शन कौन सा होता है या लीडिंग सेक्शन कौन सा होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और एक एक सेक्शन को मैंने बताया है कि कहां से प्रारंभ होगा और कहां कहां से सेकेंड अनुवर्ती लाइन वगैरह कहां से प्रारंभ होती है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पूर्व की क्लासों में। साथियों, मेन एंट्री हमने लगभग कंप्लीट पढ़ ली है, सिर्फ उसका कार्ड बनाना बाकी था। कार्ड बनाकर हमने नहीं देखा, प्रैक्टिकल करके नहीं देखा सिर्फ, और प्रैक्टिकल करके भी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व हम एडेड एंट्रियां पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखो, एडेड एंट्री पढ़ना आवश्यक है प्रैक्टिकल से पहले। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेन एंट्री के अंदर आप एक छठवां सेक्शन बनाते हैं कार्ड के पीछे की तरफ, ट्रेसिंग सेक्शन, वो एडेड एंट्रीज से संबंधित ही होता है। तो जब तक हम एडेड एंट्री पढ़ेंगे नहीं, आपको मालूम ही नहीं होगा कि एडेड एंट्रियां हैं क्या, तो आप ट्रेसिंग सेक्शन कैसे समझ सकते हैं, ट्रेसिंग सेक्शन आप कैसे बना सकते हैं। इसलिए पहले एडेड एंट्रियों के नियम कानून कायदे हम सारे पढ़ने वाले हैं। जैसे ही एडेड एंट्रियां हो जाएंगी, साथ साथ बनाते हुए भी चलेंगे इनको, तो कार्ड भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे इनके, तो एडेड एंट्रियां जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब मालूम चल जाएगा कि हाँ, ट्रेसिंग सेक्शन इस प्रकार से बनेगा, ये चीजें यहाँ ट्रेसिंग सेक्शन में हम डालते हैं। तो फिर हम ट्रेसिंग सेक्शन का और साथ ही कंप्लीट मेन एंट्री का भी कार्ड बना ही लेंगे, फिर अच्छे से समझ में आपको आ ही जाएगा। तो आज की क्लास में हम प्रारंभ करेंगे एडेड एंट्रियां, इतर प्रविष्टियों को प्रारंभ कर रहे हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इसी प्रकार से। चलिएगा साथियों, बातचीत करते हैं हम एडेड एंट्रीज ऑफ CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की जो एडेड एंट्रियां हैं, इतर प्रविष्टियां हैं, उनकी बात करते हैं। चार प्रकार की एडेड एंट्रीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चार प्रकार की एडेड एंट्रीज कौन सी होती हैं, देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। पहले CRE, CIE, BIE, CRIE। कोशिश आप लोग यही करेंगे कि इनके नाम आप शॉर्ट में याद करो, क्योंकि
अगर आप इनके हर बार पूरे नाम बोल बोल करके याद करेंगे तो चीजें याद नहीं रह पाएंगे। कोशिश करना कि आप इनके शॉर्ट में नाम याद कर लो, हिंदी में तो कम से कम याद करने की कोशिश करना, सिर्फ समझ लेना इनको कि हाँ इनका मींस क्या होता है। हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए, हिंदी अर्थ पता नहीं होगा तो फिर समझ में आनी पॉसिबल ही नहीं है। हिंदी अर्थ भी पता होना चाहिए आपको, फिर आप याद इनके शॉर्ट वाले नाम कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। आपके एडेड एंट्रीज का कोई क्वेश्चन आ जाए, भले ही मेन एंट्रीज से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, आप गलती नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिएगा बात करते हैं एक एक के पूरे नाम की। CRE अर्थात क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज, क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज, अंतः या कई बार अंतर भी लिखा हुआ था, अंतर विषय प्रविष्टियां, अंतर विषय प्रविष्टियां, एक एक की डिटेल से भी बात करेंगे। अभी सिर्फ एक बार आप इनके नाम देख लीजिए। CIE अर्थात क्लास इंडेक्स एंट्रीज, हिंदी में कहें तो वर्ग निर्देशी प्रविष्टियां, वर्ग निर्देशी मतलब वर्ग के या क्लास की ओर यह एंट्री क्या करती है, अपने को निर्देशित करती है। CIE अर्थात क्लास इंडेक्स एंट्री, पूरे नाम भी बहुत बार पूछे जाएंगे इनके। BIE बुक इंडेक्स एंट्रीज अर्थात ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां, ये ग्रंथ की ओर पाठक को निर्देशित करती है, ग्रंथ की ओर निर्देशित करेगी भैया। CRIE अर्थात क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज, नामांतर निर्देशी प्रविष्टियां, इसमें जो उपनाम वगैरह ये होते हैं ना, वो सारे इसमें आएंगे, हम डिटेल से बात करेंगे इसकी। फिलहाल आपको ये चार एडेड एंट्रियों के नाम याद रखने हैं, CRE, CIE, BIE, CRIE, अंतः विषय प्रविष्टियां, वर्ग निर्देशी प्रविष्टियां, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां और नामांतर निर्देशी प्रविष्टियां। चार प्रकार की एडेड एंट्रीज हम CCC में पढ़ने वाले हैं। कुछ पुस्तकों में ये तीन प्रकार की दे रखी हैं, दो को एक जगह जोड़ दिया है, लेकिन कुल मिलाकर पढ़ना चार ही है, हमें एंट्रीज चार ही पढ़नी है। चलिएगा अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि देखो मेरा फोकस होता है एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा। देखो एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल तो करवाने से रहा, प्रैक्टिकल का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करवाएगा। जो मैं पढ़ा चुका हूं ना अब तक, मेन एंट्री जो पढ़ा चुका हूं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। प्रैक्टिकल करके तो मैं सिर्फ इसलिए बताऊंगा कि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, बाकी क्वेश्चन तो जो मैंने पढ़ा दिया वहीं से आना है, प्रैक्टिकल से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं ये चीज क्यों लेके आ रहा हूं, नंबर प्रविष्टियां कौन कौन से, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं भले ही आपको कितना ही प्रैक्टिकल सिखा दूं, जब तक आपको ये चीजें क्लियर करके दूंगा नहीं ना, तो एग्जाम में आप फटाफट आंसर नहीं दे पाएंगे, तो क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आते हैं मेरे नोट्स से। देखिएगा आप, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है CCC के अंदर। देखो कैसे क्वेश्चन आता है, CCC के अंदर नंबर प्रविष्टियां या नंबर एंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आप सीधे भी नहीं याद कर सकते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हो सकता है उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आई, इतनी माथापोड़ी करने की हिम्मत नहीं हो, तो वो याद भी कर लेते हैं, वो चीजों को रट लेते हैं, रटने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है अगर मैं ऐसे भी करवा देता हूं तो। बाकी तो प्रैक्टिकल करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, पर फिर भी सस्पेंस रहता है। तो देखिएगा बहुत बार आता है कि CCC की नंबर एंट्रीज कौन कौन सी हैं, नंबर्स में कौन कौन सी एंट्रियां बनती हैं, तो जब बनाएंगे तब आपके सामने फिर से आ जाएंगी। एक तो मेन एंट्री बिल्कुल नंबर से हमने बनाई थी, कॉल नंबर हमने लिखा था उसमें, और ये वाली एक होती है आपकी CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अभी हम बनाएंगे। ये एडेड एंट्री है, ये मेन एंट्री है। मेन एंट्री हमने बना ली तो आपको पता चल गया होगा नंबर से कैसे बनाते हैं, शुरुआत ही हमने कॉल नंबर से करी थी, तो लीडिंग सेक्शन ही इसका तो क्या था, कॉल नंबर था, कॉल नंबर से हमने बनाया था। CRE एडेड एंट्री है, ये हम अब पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर से कैसे बनती है। आपको याद रखना है CCC में दो ही एंट्रियां ऐसी हैं जो नंबर्स से बनती है, जिसमें कोई ना कोई अंक आता है, गिनती का कोई अंक आता है, बाकी इनमें कहीं पर भी, ये मतलब
बने अंक से नहीं बनेंगी है, ये बनेंगी शब्दों से, वर्ड से बनेंगी है। पूछा जाता है ट्रिपल सी में वर्ड एंट्रियां कौन कौन सी है, वर्ड शब्दों से बनती है। एक तो सी आई ई क्लास इंडेक्स एंट्री, बी आई ई बुक इंडेक्स एंट्री और सी आर आई क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये तीन तो होती हैं आपकी वर्ड एंट्रियां, नाम याद कर लेना। सी आई ई मतलब दो सी से है एक बी से है, तीन हो गई हैं। ये तो हैं वर्ड प्रविष्टियां और ये आपकी दो होती हैं नंबर प्रविष्टियां। ये तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, मेन एंट्री और सी आर ई, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिएगा और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वर्ड इनके अलावा और क्या पूछ सकता है, एक पूछता है विषय प्रविष्टियां कौन कौन सी होती हैं और अविषय प्रविष्टियां कौन कौन सी होती हैं, यह भी आपको याद करना होगा। विषय प्रविष्टियों का मतलब यह होता है कि पाठक विषय के आधार पर अप्रोच कर सकता है। इसमें है अविषय का मतलब होता है पाठक विषय के आधार पर तो कर ही सकता है, साथ ही अन्य तरीकों से भी। अन्य तरीकों का मतलब लेखक के नाम से भी अप्रोच कर सकता है, कोलोबरेटर के नाम से भी अप्रोच कर सकता है, टाइटल के नाम से भी पुस्तक को अप्रोच कर सकता है। तो इसमें तो सिर्फ विषय के आधार पर अप्रोच करेगा और इसमें विषय के अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, तो ये अविषय प्रविष्टियां हैं। देखिएगा मेन एंट्री विषय के आधार पर सीसीसी में बनती है, एक आपकी सी आर ई क्रॉस रेफरेंस एंट्री, एक आपकी सी आई ई क्लास इंडेक्स एंट्री, और क्लास इंडेक्स क्लास का मतलब वर्ग, और वर्ग क्लास नंबर से बनता है, और क्लास नंबर हम किसका बनाते हैं, विषय का ही तो बनाते हैं, इसलिए ये भी विषय के आधार पर है। तो विषय प्रविष्टियां आपकी तीन हो गई, मेन एंट्री सी आर ई और एक हो गई सी आई ई। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन विषय प्रविष्टियां ट्रिपल सी में कौन कौन सी हैं, आप कहेंगे मेन एंट्री है, सी आर ई है और तीसरी बताएंगे सी आई ई। याद कर लेना भाई इनको, क्वेश्चन है ये सबके सब। अब आपसे पूछेगा अविषय प्रविष्टियां कौन सी है, अविषय बुक इंडेक्स एंट्री, एक तो बी आई ई है, एक सी आर आई ई है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये होती हैं आपकी अविषय प्रविष्टियां, याद कर लेना, पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन। अब देखो जी ये भी दो प्रकार की और आ गई आपके सामने, विशिष्ट प्रविष्टियां और एक होती है सामान्य प्रविष्टियां। विशिष्ट प्रविष्टियां नाम से ही पता चल रहा है, विशिष्ट मतलब किसी विशेष पुस्तक से संबंधित प्रविष्टि, वो तो विशिष्ट में आ जाएगी, और सामान्य का मतलब होता है बहुत सी पुस्तकों से संबंधित हो सकती है। तो विशिष्ट में आपकी मेन एंट्री आएगी, सी आर ई आएगी और बी आई ई आएगी। बी आई ई सीधे कुछ नाम से पता चल रहा है ना, बुक इंडेक्स एंट्री तो किसी विशेष बुक से संबंधित है ये। तो विशिष्ट प्रविष्टियों के अंदर मेन एंट्री सी आर ई और बी आई ई तीन होती हैं आपकी, लेकिन सामान्य जो प्रविष्टियां होती हैं उसमें आपकी दो काउंट होंगी, सी आई ई क्लास इंडेक्स एंट्री और एक होगी सी आर आई ई क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, जो नामांतर निर्देशी प्रविष्टियां थी वो इसमें आएगी। तो ये दो इसमें आ जाएंगी, ये सब के सब क्वेश्चन हैं, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, याद कर लेना। सामान्य प्रविष्टियां कौन सी हैं, विशिष्ट प्रविष्टियां कौन सी है, नंबर प्रविष्टियां कौन सी है, शब्द प्रविष्टियां कौन सी है, ये सब चीजें याद कर लेना, बहुत सी एग्जाम्स में पूछी जा रही है। ज्यादातर नंबर प्रविष्टियां पूछी जा रही है कि नंबर प्रविष्टियां कौन सी है, शब्द प्रविष्टियां कौन सी है, उनका ट्रेंड ज्यादा है, इनका अभी तक कम है, लेकिन हो सकता है आगे यही पूछ ले, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। नंबर और शब्द वाली आप पहले अच्छे से याद कर लेना, सबसे जरूरी वो है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक एक एंट्री को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, एक एक प्रविष्टि को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी आई ई क्लास इंडेक्स एंट्री, जो वर्ग निर्देशी प्रविष्टि थी उसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब यहां मैं हर जगह पूरा नाम और हिंदी नाम नहीं लिखूंगा, वो पीछे दे चुका हूं मैं, अगर किसी को यहां पता नहीं चले तो पेज पलट के देख लेना और उसे याद कर लेना, बार बार पेज पलट के देखोगे तो अपने आप याद भी हो जाएगा। अगर मैं सारी चीजें यही फिर से लिख के दे दूंगा इनका पूरा नाम और हिंदी नाम, तो आप याद नहीं करोगे,
खुद से अगर पेज पलटकर पीछे देखोगे, पता नहीं चल रहा बोले इसका हिंदी नाम क्या था यार, तो अपने आप याद हो जाएगा, दो तीन बार देखोगे तो रेडी हो जाएगा। देखिएगा सीआईई की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति क्लास नंबर से होती है, समझिएगा थोड़ा सा। हमें ट्रिपल सी की जो मेन एंट्री बनाते हैं और मेन एंट्री का जो लीडिंग सेक्शन बनाते हैं वो कोल नंबर से बनाते हैं। कोल नंबर क्या है? किसी भी पुस्तक का कृत्रिम नाम क्या होता है? पुस्तक का कृत्रिम नाम क्लास नंबर से बनाते हैं, तो उनके मिलने से ही तो कोल नंबर बना है। तो यहां क्या होता है, हम एंट्री तो बना देते हैं कोल नंबर से बना देते हैं या किसी विषय का क्लास नंबर बना देते हैं। क्लास नंबर क्या है उसका? किसी भी पुस्तक का कोई टाइटल आता है, उस टाइटल का हम कृत्रिम भाषा में उसे नाम दे देते हैं, लाइब्रेरियन की भाषा में हम या लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट की भाषा में उसका नाम दे देते हैं, कृत्रिम नाम दे देते हैं, प्राकृतिक नाम से बदलकर उसका नाम कृत्रिम हमने कर दिया है। तो यार ये कृत्रिम नाम जो है वो अपन लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके ही कम समझ में आता है। तो क्या ये संभव है कि लाइब्रेरी में कोई पाठक, नॉर्मल पाठक जो लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट भी नहीं है, उसके समझ में आ जाएगा वो नाम? संभव है क्या? वो समझ में नहीं आएगा। जो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग अच्छे से पढ़ा है वो ही समझ पाएगा, और कुछ में तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो जाहिर सी बात है सामान्य पाठकों को तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो मेन एंट्री तो हमने कृत्रिम नाम से बना दी, लेकिन अब पाठकों को यह चीज समझ में नहीं आती है, वो रंगनाथन साहब भी जानते थे, उसका इलाज किया है उन्होंने। जो कृत्रिम नंबर हमने दिया था उसे बोले वापस प्राकृतिक में बदलिए, जो प्राकृतिक नंबर था उससे एंट्री बनाइए। अब प्राकृतिक का मतलब किसी पुस्तक का सीधा सीधा टाइटल लिख कर दे दिया, अब तो समझ ही जाएगा। तो यहां देखो क्लास नंबर, जो क्लास नंबर हमने बनाया था प्राकृतिक नाम से, कृत्रिम नाम देकर हमने क्लास नंबर बना दिया था, बस इसी कृत्रिम नाम का वापस से प्राकृतिक नाम बना देना है ताकि पाठक समझ जाए, सीधा टाइटल को पढ़कर समझ जाएगा बोले हाँ ये पुस्तक है, जबकि उसके सामने क्लास नंबर कोई आ जाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसने वापस प्राकृतिक नंबर दे देते हैं, बस यही कार्य होता है सीआईई में। इसके निर्माण के लिए रंगनाथन ने श्रृंखला प्रक्रिया नामक विधि का प्रतिपादन किया, चैन प्रोसीजर नामक प्रक्रिया एक विधि का निर्माण किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार श्रृंखला प्रक्रिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो रंगनाथन साहब के द्वारा किया गया। एक और ध्यान रखना है, मैं पढ़ाऊंगा आपको चैन प्रोसीजर पढ़ाऊंगा अलग से, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। रंगनाथन साहब ने चैन प्रोसीजर दिया। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैन प्रोसीजर का उपयोग या चैन प्रोसीजर या श्रृंखला प्रक्रिया, हिंदी में देखा तो श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग किस एडेड एंट्री में किया जाता है, किस एडेड एंट्री में, ध्यान रखिएगा। तो ये आएगी सीआईई क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री में चैन प्रोसीजर। और इस चैन प्रोसीजर का यूज क्या है, जो हमने क्लास नंबर बनाया था, जो कृत्रिम नंबर दिया था, उस कृत्रिम नंबर से वापस ओरिजिनल नंबर मतलब वापस प्राकृतिक नंबर बनाना है, तो वो प्राकृतिक नंबर बनाने के लिए हम इस चैन प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं, सुडोलिन वगैरह है ना, ये सारे हम इसमें पढ़ते हैं, तो उनके माध्यम से ये नंबर वापस से निकल करके आ जाता है अपना, क्लास नंबर से ही वापस प्राकृतिक नंबर बना देते हैं इस विधि का प्रयोग करके। सीखेंगे अभी ये विधि भी, हम पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको भी। ये किसके द्वारा दी गई थी, फिलहाल इतना याद रख लीजिए, रंगनाथन साहब के द्वारा दी गई थी। किसमें प्रयोग किया जाता है, बोले सर सीआईई में प्रयोग किया जाता है चैन प्रोसीजर का। चलिएगा अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। सीआईई हम पढ़ रहे हैं और सीआईई में आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कितने सेक्शन होंगे, तीन सेक्शन होंगे। जैसे हम मेन एंट्री बनाते थे कार्ड पर, ठीक वैसे ही एक कार्ड और लेंगे और उस कार्ड के ऊपर सी आई ई एंट्री बनाएंगे, बस वही फॉर्मेट होगा, सब कुछ वही होगा, बस जो अंदर जो सेक्शन होंगे, मेन एंट्री में 6 सेक्शन पड़े उसमें, या जो अपन पढ़ रहे हैं सी आई ई, इसमें 3 ही सेक्शन हम पढ़ेंगे। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, मैं आराम से आपको कार्ड बना बना करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिएगा। 3 सेक्शन कौन से हैं, पहले तो वो देखो, थ्योरी पढ़ो इसकी थोड़ी सी, तो
थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपको इसकी डिटेल भी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। पहला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन। मेन एंट्री में भी पहला सेक्शन हमने कौन सा देखा था? लीडिंग सेक्शन ही देखा था, लेकिन लीडिंग सेक्शन में वहां पर हमने कॉल नंबर लिखा था। यहां पर क्या लिखेंगे वो देखिएगा, कॉल नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कृत्रिम से वापस नेचुरल नंबर बनाना है, नेचुरल के नाम लिखना है उसका। तो देखिएगा लीडिंग सेक्शन में, इसमें फर्स्ट इंडेंशन कहते ही दिमाग में आ गया होगा, पहली खड़ी वाली रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें फर्स्ट इंडेंशन से पुस्तक का शीर्षक बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। वहां पर भी तो यही कार्य होता था लीडिंग सेक्शन में, पहले इंडेंशन से लिखते थे हम उसे, लेकिन फर्क इतना था कि वहां पर नंबर लिखते थे। इसमें नंबर की जगह, जो नंबर लिखा था उस नंबर की जगह पुस्तक का सीधा सीधा शीर्षक लिख देंगे, वो नंबर नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, कहां से? वही पहले इंडेंशन से, फर्स्ट इंडेंशन से, क्योंकि नंबर भी पहले से लिखा था और लीडिंग लाइन के ऊपर वाला सेक्शन जो था वही तो लीडिंग सेक्शन था। सेम, बस जो नंबर वहां लिखा था उसके स्थान पर यहां क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे, पुस्तक का शीर्षक लिख देंगे। चलिएगा और बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि पुस्तक का शीर्षक एक पंक्ति में नहीं आता है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? वही तरीका है जो पूर्व में हमने पढ़ा है। नहीं आता है तो अनुवर्ती पंक्तियां भी फर्स्ट इंडेंशन से ही लिखी जाएंगी, क्योंकि प्रारंभ ही, एक बात बताइए, ये हमने फॉर्मेट बनाया था, ये हमने लीडिंग लाइन बनाई थी, ये फर्स्ट इंडेंशन बनाया था, ये सेकेंड इंडेंशन बनाया था ना, तो यहां से फर्स्ट इंडेंशन से, इस वाले फर्स्ट इंडेंशन से हमें लिखना है, ऐसे पुस्तक का टाइटल लिखना है। वहां पर नंबर लिखते थे मेन एंट्री में, अब ये लाइन भर गई यहां और पुस्तक का टाइटल लिखना, क्योंकि कई बार टाइटल के साथ सब टाइटल भी आता है तो बहुत लंबा टाइटल हो जाता है पुस्तक का। मान लीजिए यहां तक पूरा नहीं हुआ, पूरा नाम नहीं आया, फिर क्या करेंगे? तीन लाइन की जगह बताई थी मैंने आपको, इसमें ऐसे नहीं है कि नीचे आ जाओगे, नहीं, ऊपर ही रहना है। देखो दोबारा बनाता हूं, थोड़ा तीन लाइन वाला बना के दिखा देता हूं। ये रहा, ये हो गया, ये आपकी सेकेंड इंडेंशन हो गई। और अब देखिएगा, यहां से प्रारंभ करना है, ऐसे लिखते 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 यहां तक आ गए हैं, फिर जो अनुवर्ती पंक्तियां हैं वो फिर वापस यहीं से शुरू होगी। अगर सेकेंड इंडेंशन से कोई पार्ट प्रारंभ होगा, मान लीजिए यहां से कोई प्रारंभ होता, सेकेंड वाले से कोई लाइन लिखना प्रारंभ करते, पूरी लाइन भर गई, फिर वापस प्रारंभ करना है अनुवर्ती पंक्ति, और अनुवर्ती पंक्ति हमेशा किसी भी सेक्शन की अनुवर्ती पंक्ति हो वो फर्स्ट इंडेंशन से ही प्रारंभ हो गई, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये लाइन भर गई, कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो अनुवर्ती पंक्ति आएगी, इससे नीचे वाली लाइन आएगी, वो पहली रेखा से आएगी, पहली खड़ी रेखा से आएगी। ये सब में फिक्स है, ध्यान रखना इसका। अनुवर्ती पंक्तियां भी फर्स्ट इंडेंशन से आएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो शुरू भी फर्स्ट से ही हो रहा था। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। दूसरे सेक्शन का नाम है डायरेक्टिंग सेक्शन, निर्देशांक अनुच्छेद। क्वेश्चन पूछा जाता है CIE के दूसरे सेक्शन को हम किस नाम से पहचानते हैं? आप कहेंगे सर डायरेक्टिंग सेक्शन से। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशांक, निर्देश देता है ये, अपने को निर्देश दे रहा है कि ये करिए आप। क्या निर्देश देता है वो निर्देश भी हम पढ़ेंगे, ये रहा वो निर्देश, बात करेंगे अपन इसकी। खैर फिलहाल आप ये देखिए, जो डायरेक्टिंग सेक्शन है, निर्देशांक अनुच्छेद है, यह आपके सेकंड इंडेंशन से प्रारंभ होगा, सेकंड वाले से। ये हमने डायग्राम बनाया था, ये इसका लीडिंग लाइन हो गई थी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इस वाले से प्रारंभ होगा, यहां से सेकंड वाले से प्रारंभ होगा, और फिर भर जाएगा, पूरी नहीं आ रही, तो फिर आगे से फर्स्ट इंडेंशन से प्रारंभ होगी अगली लाइन। वही बात यह कह रहा है, यह सेकंड इंडेंशन से प्रारंभ, वह अनुवर्ती पंक्तियां फर्स्ट इंडेंशन से, यहां से फर्स्ट से अनुवर्ती पंक्तियां फर्स्ट से प्रारंभ होगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाता है वो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ये लाइन हर बार, भले ही आप कोई भी CIE बनाए, ये लाइन फिक्स रहेगी, यहां कुछ भी चेंज नहीं होगा। सब में कोई भी आप बना लीजिए, किसी भी पुस्तक का बना लीजिए, ये फिक्स है, ये रट लेना ऐसे की उठाओ और छाप दो सबके अंदर। क्या कह रहा है इसमें, फोर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द
कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर लिखा जाता है। समझिए क्या कहना चाह रहा है। फोर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन। अगर आपको बोले ये वाला डॉक्यूमेंट्स देखना है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखना है किसका, इस क्लास नंबर का या इसके सब डिविजन का कोई डॉक्यूमेंट्स देखना है, तो आप क्लासिफाइड कैटलॉग के क्लासिफाइड पार्ट का ये क्लास नंबर देखिए। और ये क्लास नंबर कौन सा, इसके नीचे तीसरा जो सेक्शन आएगा उसमें क्लास नंबर लिख दिया जाता है और कहता है कि आप ये क्लास नंबर देखिए अगर आपको ये वाली पुस्तक देखनी है, तो ये वाली पुस्तक देखनी है या ये वाला डॉक्यूमेंट देखना है। तो बस हर बार यही लाइन कहेगा, इस क्लास नंबर की ओर इशारा करेगा सब में। यहां बनाएंगे हम तीसरे वाले सेक्शन में, अभी दूसरा ही है ये, देखिएगा तीसरा क्या है। और एक बात और बता दूं यहां साथ ही, जो ये लाइन हम लिखते हैं ना, ये जो मैटर लिखते हैं इसमें दूसरे सेक्शन में, इसके अंदर जो सात अक्षर है सात अल्फाबेट है, वो कैपिटल लेटर में आएंगे। ध्यान रखना, CIE के डायरेक्टिंग सेक्शन के अंदर जो हम लिखते हैं रामायण ये वाली, इसके सात अक्षर कैपिटल में आएंगे। सात अक्षर कौन से हैं देख लो, मैंने टिक लगा दिया है नीचे। एक तो F कैपिटल में आएगा, एक ये C कैपिटल में आएगा, उसके बाद S कैपिटल में आएगा, C कैपिटल, ये P कैपिटल, और उसके बाद ये C और ये N। ऐसे कुल सात अक्षर इसके कैपिटल में आएंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कितने अक्षर कैपिटल में लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछेगा कौन कौन से हैं, आपसे यही पूछेगा कि कितने अक्षर कैपिटल में आते हैं, आप कह दीजिएगा सात अक्षर कैपिटल में आते हैं। किसके आते हैं, आप कहोगे CIE के डायरेक्टिंग जो सेक्शन है, निर्देशांक जो अनुच्छेद है, उसके सात अक्षर कैपिटल में लिखते हैं। बोले विशेष ध्यान रखना इस चीज का। चलिएगा बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, और तीसरा सेक्शन जो है CIE का, उसका नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर सेक्शन। नाम विशेष ध्यान रखना, CIE का तीसरा सेक्शन किस नाम से जाना जाता है, इंडेक्स नंबर सेक्शन, ध्यान रखिएगा। जिस पंक्ति पर निर्देशांक अनुच्छेद समाप्त होता है, दूसरा सेक्शन वो समाप्त होगा, समाप्त क्या होगा, उसके अंदर जो हम रामायण लिखेंगे, फॉर द डॉक्यूमेंट्स, जो ये वाली पूरी लाइन लिखेंगे, वो लाइन जहां समाप्त हो जाएगी, या तो वो समाप्त हो जाए, उसे चार अक्षर की जगह छोड़कर आप क्लास नंबर लिख दीजिए, चार अक्षर की जगह छोड़कर लिख दीजिए, या तो अगर चार अक्षर की जगह छोड़कर नहीं लिखते हो तो उस लाइन में, अगर मान लीजिए कई बार जगह भी नहीं होती, जगह भर जाती है, तो आप उसमें नीचे की तरफ लिख सकते हो, राइट साइड में दाईं तरफ लिख सकते हो इसी, या तो चार, अगर जगह है आपके पास तो चार अक्षर की जगह छोड़कर आप लिख दीजिए वो क्लास नंबर। मान लीजिए चार अक्षर की जगह नहीं है तो आप नीचे जाइए और नीचे राइट साइड में लिखिए, दाईं तरफ लिखिए, इतना कार्य आपको करना है। और लिखोगे किससे, पेंसिल से लिखना है। ये जो क्लास नंबर आप लिखते हैं तीसरे सेक्शन में, बहुत से लोग इसको क्लास नंबर सेक्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन क्लास नंबर सेक्शन इसका नाम नहीं है, इसका नाम है इंडेक्स नंबर सेक्शन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडेक्स नंबर सेक्शन में किसकी एंट्री करी जाती है, तब कहोगे आप, बोले सर क्लास नंबर की एंट्री करी जाती है। चलिएगा समझ में आएगा थोड़ा सा और बेटर तरीके से, देख लीजिए एक चीज और। पहले इसमें लीडिंग सेक्शन में जो पुस्तक का शीर्षक लिखा था उसका क्लास नंबर लिख देंगे, वो तो बात अपन हो ही गई ऊपर। देखिएगा एंट्री देखते हैं कैसे बनेगी, CIE का एग्जांपल एंट्री बनाई है हमने किसी पुस्तक का टाइटल लेकर के। ये देखिएगा, ये आपका फॉर्मेट होता है, आउटर लाइन होती है, उसके बाद ये आपकी लीडिंग लाइन होती है, ये आपका फर्स्ट इंडेंशन होता है, ये आपका सेकेंड इंडेंशन, अर्थात प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा। तीन सेक्शन मैंने आपको इसमें बताए हैं। पहला सेक्शन लीडिंग सेक्शन हमने देखा था, और हमने देखा था कि इसमें पुस्तक का शीर्षक लिखा जाता है, तो हमने पुस्तक का शीर्षक लिख दिया और बात करी थी कि फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं, तो फर्स्ट इंडेंशन से हमने इसका शीर्षक लिख दिया।
ये पूरा नहीं होता तो फिर अनुवर्ती पंक्ति आती, लेकिन छोटा सा है, आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुवर्ती पंक्तियों की आवश्यकता यहां आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा सेक्शन हमने देखा था डायरेक्टिंग सेक्शन, निर्देशांक अनुच्छेद, उसमें लाइन लिखनी थी फोर डॉक्यूमेंट वाली, तो ये वाली पूरी लाइन आपको इसमें लिख देनी है। मैंने डैश डैश करके लिख दिया है, वो पूरे सारे के सारे नाम लिखने हैं, जो लाइन मैंने बताई थी वो पूरी की पूरी लिखनी है, और लास्ट में उसमें था क्लास नंबर, अंडर द क्लास नंबर, फोर डॉक्यूमेंट से लेकर के अंडर द क्लास नंबर तक की पूरी लाइन लिख देनी है। अब ये अंडर द क्लास नंबर के बाद दो तरीके हैं आपके पास, गलत नहीं है कोई सा भी, आप चाहो जैसे कर सकते हो, या तो यहां पर चार अक्षर की जगह छोड़कर आप यहीं पर ये क्लास नंबर लिख सकते थे, जो तीसरा सेक्शन था ये है वो तीसरा सेक्शन, या तो आप ये यहीं लिख सकते हो, या फिर ऐसा नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर आओ थोड़ा सा और इधर इस राइट साइड वाले छोर में ये क्लास नंबर लिख दिया करो, ये दिख जाएगा अलग से, तो यहां पर ये नंबर लिख देंगे, बस इतना सा कार्य है। ये क्लास नंबर हमने लिख दिया, आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है। पहला इसमें ये था, दूसरा सेक्शन ये रहा, और तीसरा सेक्शन ये रहा। तीन सेक्शन हमने CIE में पढ़े हैं जो आपके सामने है। पहला आपका लीडिंग सेक्शन पढ़ा था, दूसरा डायरेक्टिंग सेक्शन निर्देशांक, और ये निर्देश दे रहा है फॉर द डॉक्यूमेंट, तो ये रहा आपका दूसरा, और दूसरा खत्म होने के या तो चार अक्षर का स्पेस छोड़ के लिख दो, नहीं करते हो आप ऐसा तो आप इधर आइए और राइट साइड में ये क्लास नंबर लिख दीजिए, जो कि आपका तीसरा सेक्शन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी CIE में। चलिएगा, CIE हमने कंप्लीटली पढ़ ली है, यहां से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं CRE का, अंतर्विषय प्रविष्टि, जो दूसरी एडेड एंट्री है, उसकी भी बात आज की क्लास में हम कर ही लेते हैं। इसमें पांच सेक्शन होते हैं, इसमें कितने सेक्शन होते हैं, पांच सेक्शन होते हैं। अब सुन लो एक बात, बहुत से बच्चे मुझे ये कहेंगे, बोले गुरुजी VMOU तो तीन सेक्शन ही बता रखे हैं, तो तीन सेक्शन बता रखे हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल में जाके देखना आप, वहां पर भी इन पांच सेक्शन के माध्यम से ही ये कंप्लीट होता है। जरूरी नहीं है आपको कभी, तीन सेक्शन बता रखे हैं लेकिन उसके अधीनस्थ दो सेक्शन और दे दिए, तो अपन क्यों ना इसको डायरेक्ट पांच सेक्शन में पढ़ ले। तो इसके पांच सेक्शन अगर आपने याद कर लिए तो एंट्री बनाने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, इनको पांच टुकड़ों में, इनको पांचों सेक्शनों को अलग अलग याद कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिएगा, बहुत से बच्चे कहेंगे सर VMOU के MLIS में यह है, BLIS में यह है, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उन सबका ज्यादा, लेकिन यहां से आप देखिए इनको पांच टुकड़ों में याद करिए, बहुत बेटर तरीके से, कभी आपकी एंट्री गलत होगी नहीं, ये गारंटी है मेरी। ये पांच सेक्शन याद कर लो, अपने आप एंट्री बन जाएगी, देखिएगा कैसे बनेगी। पहला सेक्शन, पहले सेक्शन में आपको क्लास नंबर लिखना है। अब मैं थ्योरी की जरूरत नहीं है, अब जब आपको सीधा मैं कार्ड बना के दिखा दूंगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला पहला सेक्शन हो गया, ये वाला सी आल्सो सेक्शन, हाँ यहाँ ऐसे आता है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा सेक्शन, वहां दिखेगा आपको, डायरेक्ट दिखाऊंगा मैं। अब क्लास नंबर सेक्शन पहला, दूसरा सेक्शन सी आल्सो सेक्शन, तीसरा कॉल नंबर सेक्शन, चौथा ऑथर सेक्शन, और पांचवा टाइटल सेक्शन। ये पांच सेक्शन आप उस एंट्री में कर दोगे तो आपकी ये वाली CRE जो है बन जाएगी। चलिएगा, बात करते हैं कैसे आएंगे ये पांच सेक्शन आपके सामने है। एग्जाम्पल देखिएगा, CRE का कार्ड मैं बना के लाया हूं, आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप नजर आ रहे हैं। इसमें मैं थ्योरी लिखवाता कि ये फर्स्ट इंटेंशन से शुरू करो, ये सेकंड इंटेंशन, जरूरत नहीं है, दिख रहा है कौन से इंटेंशन से शुरू हो रहा है पहला सेक्शन, अपने आप समझ रहे हो यार, इसीलिए तो यही तो है स्मार्ट स्टडी। अब एग्जाम की तैयारी के टाइम पे पहले थ्योरी पढ़ो, ये पढ़ो, अरे भाई सीधा जब देखते ही चीज समझ में आ गई क्यों टाइम व्यर्थ करना, जब एक बार हमने समझ लिया थ्योरी के माध्यम से, बार बार थ्योरी लिखवाऊं मैं सभी की कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब चीज देखने पर समझ आ रही है कि हाँ बोले फर्स्ट इंटेंशन से प्रारंभ हो रहा है, तो जरूरत कहाँ है थ्योरी की, समझा दिया ना एक बार, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। फर्स्ट इंटेंशन से आपका पहला सेक्शन प्रारंभ हो गया, और पहले सेक्शन का नाम आपको पता है क्लास नंबर सेक्शन था, तो हमने पहले सेक्शन में लीडिंग सेक्शन में क्लास नंबर लिख दिया है, लिख दोगे कोई समस्या नहीं है, ये क्लासिफिकेशन से आपने बना लिया था पहले, बना बनाया है, आपको सिर्फ कार्ड में छापना है इनको। चलिएगा, फर्स्ट इंटेंशन से और कहां लीडिंग सेक्शन के अंदर ये सब लिखना है,
लीडिंग लाइन के ऊपर का सेक्शन लीडिंग सेक्शन फर्स्ट इंटेंशन के सामने लिखा है तो फर्स्ट इंटेंशन से प्रारंभ होगा। चलिए दूसरा सेक्शन मैंने आपको यहां बताया है सी आल्सो सेक्शन, तो ये आ गया आपका सी आल्सो सेक्शन। अब मैं पूछूं सी आल्सो सेक्शन का प्रारंभ कहां से होगा, कौन सी लाइन से होगा, तुरंत देख के पहचान जाओगे, बोले गुरु जी सेकेंड इंटेंशन से प्रारंभ होगा। तो ये रहा आपका सेकेंड इंटेंशन, प्रारंभ हो गया अपने आप, कोई समस्या नहीं आएगी, देख के ही पहचान जाओगे। और ध्यान रखना सी आल्सो लिखने के बाद आप नीचे लाइन खींचोगे। सी आल्सो का मतलब है बोले इसे देखिए आप, इसे भी देखिए, बोले आप इसी को मत देखिए, इसे भी देखिए, बोले इनको भी देखिए नीचे भी, है ना, सी आल्सो। तो ये दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा सेक्शन आपका कोल नंबर सेक्शन था, तो कोल नंबर सेक्शन ये आ गया, पुस्तक का कोल नंबर लिख दिया। कहां से लिखा, सेकेंड इंटेंशन से लिखा है, ध्यान रखिएगा किसके बाद लिखा है, सी आल्सो सेक्शन के बाद लिखा है, अपने आप पता चल गया ना, थ्योरी की जरूरत है ही नहीं अब। चलिएगा ये लिख दिया। चौथा सेक्शन आपका ऑथर सेक्शन था, ये रहा चौथा ऑथर सेक्शन, तो मैंने कॉल नंबर के बाद लिखा है ऑथर सेक्शन को, ये क्रम भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉल नंबर के बाद ऑथर सेक्शन, पुस्तक का ऑथर कौन है, जंग था, तो इसका ऑथर हमने लिख दिया, जंग साहब इसके ऑथर है, तो ये ऑथर लिख दिया। ऑथर कहां से आया, सेकंड इंटेंशन से आया है, सेकंड इंटेंशन से प्रारंभ करेंगे ऑथर के नाम को। फिर उसके बाद पांचवा सेक्शन टाइटल सेक्शन हमने देखा था, ये रहा टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में थोड़ा सा और ध्यान रख लेना आप, क्या ध्यान रखोगे, टाइटल के अलावा जैसे पुस्तक का टाइटल है मेमोरीज ड्रीम्स और रिफ्लेक्शंस, ये कोमा मैंने मन से नहीं लगाए हैं, ये इस पुस्तक का टाइटल है इतना बड़ा, उस पुस्तक के टाइटल में ऑलरेडी लगे हुए कोमे हैं, ये मैंने मन से नहीं लगाया है, कहीं आप भी हर एक जैसे एक एक जोड़ी बन रही है उसके बाद कोमे लगाते जाओ, ऐसा नहीं करना है। मेमोरीज ड्रीम्स और रिफ्लेक्शन इस पुस्तक का टाइटल है और टाइटल में लगे हुए हैं ऑलरेडी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। अब समझिएगा टाइटल हो गया, लेकिन टाइटल सेक्शन में आपको ध्यान रखना है टाइटल के अलावा और भी जो सूचनाएं होती हैं। टाइटल सेक्शन हमने मेन एंट्री में पढ़ा था ना, उसमें कौन कौन सी जानकारी हम दे रहे थे, वो सारी जानकारी आप यहां लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। तो देखिए एडिशन का नाम भी मैंने लिख दिया, आपको मान लीजिए पुस्तक में पेज नंबर दे रखे हैं कि इतने पेज की पुस्तक है, तो आप इसमें पेज नंबर भी जोड़ सकते हो, इसमें आप बाकी चीज चाहो तो ऐड कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र है, डाल सकते हो आप इसमें पेज नंबर वगैरह, और भी कोई आपके पास जानकारी है तो वो यहां आप डाल सकते हैं टाइटल से संबंधित। तो यहां टाइटल लिख दिया और टाइटल के बाद इसका एडिशन कौन सा था, तो हमने डॉट लगाया टाइटल के बाद और फिर एडिशन तीन लिखा और फिर डॉट लगाया है, ध्यान रखिएगा डॉट लगेगा आगे। चलिएगा इस प्रकार से यहां भी आपको मुझे लगता नहीं कोई समस्या आने वाली है। अब दो एडेड एंट्रियां आपकी हो चुकी हैं, दो और बच रही हैं जो अगली क्लास में हो जाएंगी आपकी, एक क्लास में करवाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और जब तक पीछे वाली चीज याद करके आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, एक दिन में भी हो सकता है ये सारा, मैं 6-7 घंटे की क्लास लूंगा तो भी सारा बहुत कुछ हो जाएगा उसमें, लेकिन उसका औचित्य नहीं है, पीछे का मैटर याद होगा तभी आगे की क्लास समझ में आती है, इसीलिए मैं आराम से लेके चल रहा हूं और आपको तो टाइम भी दे रहा हूं यार, चीजें याद करिए, याद करके पढ़ोगे आनंद ही अलग आएगा। एग्जाम में आप देखिएगा इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन लगाइएगा, मॉक पेपर लगाना, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन। मेन एंट्री पढ़ाई है, मेन एंट्री का कोई भी क्वेश्चन करके, अभी तो मैंने उसका प्रैक्टिकल तो करवाया ही नहीं, ऐसे बना के तो दिखाया ही नहीं आपको, बना के दिखाऊंगा, और बना के नहीं दिखाया फिर भी आप मॉक लगाइएगा, उसके संबंधित क्वेश्चन करिएगा, किसी भी बुक का गलत होगा ही नहीं आपका, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक वैसे ही दो एडेड एंट्री पढ़ाई है, करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और एग्जाम्स आप लोगों ने दी हैं बहुत सारी, तो उनमें भी पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। मैं क्वेश्चन पे ही अटैक करता हूं, मेरा मुख्य टारगेट होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करवाने वाला है, कभी नहीं करवाएगा प्रैक्टिकल आपको, बस मैं अटैक कर रहा हूं क्वेश्चन पर, वो इसीलिए करता हूं क्योंकि वहां प्रैक्टिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन तो वही आएगा, मैंने अभी करवाया था ना, विशिष्ट प्रविष्टियां कौन कौन सी है, नंबर प्रविष्टियां कौन कौन सी है, अल्फाबेट प्रविष्टियां कौन कौन सी है, तो वो इसीलिए तो करवाता हूं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं।
प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए, और कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा तो उस थ्योरी पे पकड़ आपकी बहुत गजब की हो जाएगी। उम्मीद करता हूं जो क्लास आज आपकी हुई है वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक कर दिया करें, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।